तेरी बात समझ में नहीं आई। तुम ऐसा सस्पेंस क्रिएट मत करो। बड़े पापा क्या हुआ है बताइए ना। कुछ नहीं हुआ है, ये सब सिर्फ झूठ है, कहानी बना रहे हैं। हे प्लीज, आज छुट्टी का दिन है, तुम इसे ऐसे बर्बाद मत करो प्लीज, ओके? और ऐसा है तो तुम और स्वयंभू कल से इस डाइनिंग टेबल पर मत आना। हमारे घर में मेहमानों का सम्मान होता है, चाहे फिर वो किसी भी क्लास का क्यों ना हो। राज, तुम इस तरह से बात मत करो। ठीक है, तो फिर मुझे ही कुछ इंतजाम करना होगा। क्या इंतजाम करोगी? तुम क्या करना चाहती हो? पुलिस बुलाऊंगी। डोंट टॉक रबिश। तुम इस घर में पुलिस बुलाने वाली कौन हो? तुम्हें ये अधिकार मैंने नहीं दिया। मैं इस घर की बहू हूँ। इनको किसने क्या अधिकार दिए हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन अब ये अपनी हदें पार कर रही हैं। इन दोनों को इमीडिएटली घर से निकाल दो, जरूरत पड़ी तो धक्के मारकर बाहर निकाल दो। ये स्वयंभू और ये जगधात्री दोनों मिलकर हमारे घर की शांति भंग कर रहे हैं और इल्जाम लग रहा है मेरे ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर, देवू जी के ऊपर, प्रीति दी के ऊपर। एक मिनट उत्सव, एक मिनट। जगधात्री, तुम बोल रही हो कि कल स्वयंभू को कोई मारने आया था डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलकर? वेल, आप मोबाइल में क्या ढूंढ रही हो? मेरे मोबाइल में तो सीसीटीवी ऐप लोड है ही, देख लेते हैं। अच्छा, मोबाइल में देखने की क्या जरूरत है, इतनी छोटी सी स्क्रीन में कुछ समझ नहीं आएगा। इससे अच्छा होगा हम सिक्योरिटी रूम में जाकर बड़ी स्क्रीन पर देखें। हाँ, इसने सही कहा। नहीं नहीं, इतना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी इतना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, इन सबका कोई फायदा नहीं है। हे प्लीज, तुम जाओ 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 यहाँ से जाओ। एक मिनट चाचा जी, एक मिनट। कैमरा नंबर 1, हमारे घर का एक्सटीरियर ना, कोई नहीं है। कैमरा नंबर 2, हमारा बैकयार्ड, इस समय यहाँ पर भी कोई नहीं है। कैमरा नंबर 3, ड्राइंग रूम, कुछ नहीं है। ड्राइंग रूम के ऑपोजिट वाला कैमरा, नहीं। कैमरा नंबर 5, लॉबी, क्या हुआ? रुक क्यों गई हो? बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ बड़ी दीदी? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? एक आदमी ऊपर की बालकनी से आ रहा है। ओह माय गॉड, रुको थोड़ा बैक करती हूँ। हाँ, ये सही कह रही है, टाइम 1:40। कैम 3, ड्रॉइंग, हाँ ये रहा। कैम 3, 1:44, वो आदमी भाग रहा है। ओ माय गॉड, वो आदमी तो ड्रॉइंग रूम से लेफ्ट की तरफ गया। कहाँ है, दिखाइए, फोन दिखाइए। नहीं, फोन को बिल्कुल टच मत करना, जस्ट वेट। आई एम सॉरी। दैट्स बेटर। उसके बाद वो आदमी नीचे के बाईं तरफ के कमरे में गया। स्वयंभू, फास्ट, कहाँ जा रहे हो तुम लोग?
सच बोल रही थी? हाँ चाची जी, सच बोल रही है। अनबिलीवेबल। नहीं नहीं, ये सब लोगों को मत दिखाओ, इससे बहुत बुरा होगा, मिटा दो इसे। क्यों? नहीं नहीं, हमारे घर में घुस के एक आदमी खून कर रहा है, मतलब खून करने की कोशिश कर रहा है, तुम सोच सकती हो? ये कोई जासूसी कहानी नहीं है, जिंदगी क्या खून खराबा है? फिर भी खून खराबा होता है। मेहंदी। हाँ डैडी, फिर भी खून खराबा होता है। मेहंदी उसके साथ है? उसके साथ नहीं हूँ, स्वयंभू का कोई खून करने आया था। इसका मतलब स्वयंभू इस घर में आया है, ये किसी को पसंद नहीं आ रहा। क्या बोल रही हो तुम? बिल्कुल भी उल्टी सीधी बातें मत करना, कौन पसंद नहीं करता? अच्छा आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं बताइए तो? बड़े पापा आप कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं। बड़े पापा क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे अनईजी लग रहा है। बैठिए। क्यों? हमारी वजह से आप खाना नहीं खाएंगे? मुझे अभी खाना नहीं खाना है। क्यों नहीं खाएंगे? प्लीज बैठिए। नहीं नहीं बैठूंगा। चाचा जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज बैठिए। चाचा जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, बैठिए। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है वहाँ, और बाहर का गेट भी तो बंद था, इसका मतलब वो घर में ही था। अच्छा आप कैमरा में ये पूरा रश फॉरवर्ड करके दिखा सकती हैं? कोई वहां से निकला है या नहीं? लेफ्ट में चला गया, उसके बाद वो दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब स्वयंभू को जो मारना चाहता था वो अभी घर में ही है। मुखौटा, ये मुखौटा पहना हुआ था, पूरा चेहरा ढका हुआ था। कमरे में मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन वो भाग गया। मैं चेहरा देख नहीं पाई लेकिन स्वयंभू उसके पीछे भागा था। लेकिन लेकिन क्या? स्वयंभू अंधेरे में उसे देख नहीं पाया। तो इससे क्या साबित होता है? हाँ तुम क्या साबित करना चाहती हो बताओ तो? साबित करना चाहती हूँ कि वो इस घर का हर कमरा पहचानता है। वो कोने कोने को जानता है, लॉबी, रूम, बालकनी, सब जानता है। राजनाथ अंकल, वैदेही आंटी, क्या वो घर की डुप्लीकेट चाबी किसके कमरे में रहती है? मेरे कमरे में। आपके कमरे में? अंकल बुरा मत मानिएगा, बस एक रिक्वेस्ट करूं। क्या? जरा खड़े होंगे। तुम क्या बोलना चाहती हो? तुम मेरे ससुर जी को खड़े होने के लिए क्यों बोल रही हो? प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ। वो बोल रही है तो एक बार खड़े हो जाइए ना।
नहीं, अंकल जी से वो आदमी लंबा है। तुम मुझ पे डाउट कर रही हो, मुझे परख रही हो, मैं क्रिमिनल हूं या नहीं, मैं खूनी हूं या नहीं? मैं इसका मर्डर करने गया था। इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? इन्होंने कहा चाबी आपके कमरे में थी तो थप्पड़ मार के सीधा कर दूंगा तुम्हें, समझे? ये क्या? ये आप क्या कर रहे हैं? चाचा जी प्लीज शांत हो जाइए। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये एक लड़की है ना? ये मुझे नाप रही है, मेरी हाइट जांच रही है। मैं क्रिमिनल हूँ, क्रिमिनल की तरह खड़ा करके ये मिलाने की कोशिश कर रही है कि मैं वो आदमी हूँ या नहीं। ए चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से। चाचा जी, चाचा जी आप जरा शांत हो जाइए, अंदर जाइए प्लीज। चाचा जी आप अंदर जाइए, जाइए प्लीज। जगधात्री, तुम मेरे परिवार के लोगों का असम्मान कर रही हो। तुम्हें ये अथॉरिटी नहीं है, और इसके अलावा तुम कोई जासूस नहीं हो कि इन्वेस्टिगेट करोगी। फिर तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। What? क्या बोल रही हो तुम? मेरे घर में पुलिस नहीं आएगी। तुम चिंता मत करो, इस घर में पुलिस नहीं आएगी। पुलिस इस घर में नहीं आएगी जगधात्री, नहीं आएगी। लेकिन ये केस तो अटेम्प्ट टू मर्डर का है, और मेरे हस्बैंड का खून करने की कोशिश की गई है। हस्बैंड, एक बनावटी रिश्ता ढो रहे हो तुम दोनों। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो ही नहीं, और वो अगले बुधवार को साबित हो जाएगा। कैसे? अगले बुधवार को शुभ समय, शुभ लग्न है, तुम्हारी और स्वयंभू की शादी के लिए। आप इस क्राइसिस टाइम पर शादी के बारे में सोच रही हैं? सिर्फ ये साबित करने के लिए कि तुमने जो जो कहा था सब झूठ था। एंड आई एम श्योर, मैं तुम्हें जितना जानती हूँ कि ये जब तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेगा, ठीक उसी समय तुम पीठ दिखाकर भागोगी। जगधात्री सान्याल पीठ दिखाकर नहीं भागती। सरनेम तुम शायद भूल रही हो, है ना? तुम सान्याल नहीं हो। असल में भूल से ही सही तुमने सच बोल दिया। तुम सान्याल हो, तुम कुवारी हो। क्या कहते हैं इसे? सिक्स्थ सेंस। सुनिए सुनिए, बुधवार को शादी के मंडप में बैठने से पहले ये केस मैं सॉल्व करूंगी। मैं ढूंढ कर निकालूंगी कि स्वयंभू का खून कौन करना चाहता था, और ढूंढ कर सबसे पहले आपको ही बताऊंगी कि स्वयंभू को किसने टारगेट बनाया था, कौन स्वयंभू का मर्डर करना चाहता था। एंड दैट इज माई प्रॉमिस। स्वयंभू को कोई मारने आया था, किसका काम है ये? घर में ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हमारे घर में खूनी और वो चाकू। डुप्लीकेट चाबी, वैदेही
चाबी तो तुम्हारे कमरे में ही थी। वहां से चाबी लेकर स्वयंभू के कमरे में जाकर उसे मारने की कोशिश की। इससे इतना तो क्लियर है कि स्वयंभू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या भाग आए थे वहां से? कौन? तुम क्या बोलना चाहती हो? मैं अपने घर से क्यों भागूंगा? क्यों भागूंगा मैं अपने घर से? क्यों भागेंगे पूछ रहे हैं? कभी कभी इंसान खुद से ही भागना चाहता है ना? तुम अपनी सीमा लांघ रही हो जगधात्री। तुम जानती नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। प्लीज आप मुझे धमकी क्यों दे रहे हैं? मैं तो आपकी बड़ी बहू हूँ। शट अप! मैं तुम्हें अपने बेटे की बहू नहीं मानता। लेकिन मैं तो आपको अपना ससुर जी मानती हूँ। और दीदी तो बोल रही है मेरी और स्वयंभू की शादी करवाएंगी सबके सामने, क्योंकि आप लोग नहीं थे हमारी शादी देखने के लिए, इसलिए। इस कमरे में क्यों आई हो तुम? क्यों आई हो इस कमरे में तुम? मैं इस कमरे में ये जानने के लिए आई हूँ कि आप लोगों की चल अचल संपत्ति मिलाकर कुल कितने रुपए हो सकते हैं? तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। क्यों? आप लोगों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं करवाया? वो कितना हो सकता है? इस शहर के टॉप मोस्ट रिच लोगों की लिस्ट में आते हैं हम, लेकिन मैं तुम्हें पैसों का हिसाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ। ओ, इसका मतलब पैसों का हिसाब बहुत बड़ा है ना? आप मान लीजिए कि वो पैसे आपसे छीन लिए गए, तो फिर आप क्या करेंगे? छीन लेंगे मतलब? कौन छीन लेगा? मान लीजिए आपके पैसे किसी ने ले लिए। शट अप! जान से मार दूंगा उसे। बिल्कुल यही। इसलिए क्या स्वयंभू को जान से मारने की कोशिश हुई? मेहंदी? हाँ देबू जी। अब प्रीति दरवाजा बंद करके आओ। हाँ, कोई खबर मिली क्या? स्वयंभू के बारे में हमें जितनी खबर मिली वो एक डेफ एंड म्यूट स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, क्या करता है वहाँ? वही देखभाल करता है, लेकिन जगधात्री वो स्कूल चलाती है। वो कोई एनजीओ है क्या? नहीं, ये तो नहीं पता। उनका रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन स्वयंभू वहां पर जगधात्री के साथ है। और भी कुछ टीचर्स हैं, वो सब मिलकर डेफ एंड म्यूट की ट्रेनिंग करवाते हैं। इनफैक्ट काकुन भी उसी स्कूल में जाती है ट्रेनिंग लेने साइन लैंग्वेज की। पर बात तो नहीं बन रही। क्या नहीं बन रही? अरे क्या बताने की कोशिश कर रही हो तुम? ये स्वयंभू आकर इस घर में रह रहा है और मेरी दीदी मतलब जगधात्री भी इस घर में आके रह रही है, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा। जगधात्री को बचपन से मैं जितना जानती हूँ वो जलती तो नहीं है। बाप रे, ये बात तुम बोल रही हो? हाँ मैं ही बोल रही हूँ। वो किसी से नहीं जलती है, बचपन से देखती आ रही हूँ। वो हमेशा मेरा ध्यान रखती थी, बहुत केयर करती थी मेरी। उसके साथ स्वयंभू का क्या लेना देना? वही तो मैं कह रही हूँ। वो स्वयंभू हमारे घर में आता रहता था और वही एक था जिसे पापा हमारे घर में अलाउ करते थे। उसके बाद तो मेरी शादी हो गई और मैं शादी करके इस घर में आई, और उसके ठीक बाद ही स्वयंभू और जगधात्री भी शादी करके इस घर में आ गए। इसमें कुछ तो बात है। क्यों?
पापा ने ठीक कहा था, जगधात्री के साथ इस परिवार का कोई रिश्ता नहीं। तो बच गया वो स्वयंभू। तो फिर क्या स्वयंभू का इस परिवार के साथ कोई कनेक्शन है? नहीं, ऐसी तो कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। स्वयंभू के पिता कौन है, माँ कौन है, कोई खबर मिल पाना पॉसिबल है? तुम क्या कह रही हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों, क्यों समझ नहीं पा रहे? आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो तो बड़ी दीदी, उत्सव और बाकियों के बीच ही बटेगा, मतलब जैसा आपने अपना विल बनवाया होगा। अब एक बड़ा हिस्सेदार आया है, आपका बड़ा बेटा स्वयंभू। अब उसे भी अगर प्रॉपर्टी में से हिस्सा देना पड़े तो, मतलब इतने सारे पैसे देने से अच्छा है कि क्यों ना उसे जान से ही मार दे। Shut up! I said get out! Get out from here! Okay, okay. Get out! Okay. Cool. Cool. जा रही हूँ। ये लीजिए आपकी बीपी की टैबलेट और पानी। मतलब? मतलब ऐसे और भी सवाल उठेंगे, बार बार आप चिल्लाएंगे, आपका बीपी बढ़ेगा, इसलिए कीप योरसेल्फ हेल्दी सर, सॉरी फादर इन लॉ। कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? रुको, तुम लोग यहाँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? वो दरअसल मुझे तुमसे बात करनी थी। क्या बात करनी थी? नहीं मतलब वो कुछ अलग बात करनी थी। आओ। अरे बाप रे, जासूसी कर रही हो क्या? थोड़ी तो जासूस लड़कियां होती ही हैं, और जन्म से ही लड़कियों में ये गुण होता है। जासूसी करना चाहती हो तो करो, लेकिन देखो जैसे चोरी करके जगतधात्री को फंसाने गई थी, वैसे ही कल को ये ना निकल आए कि स्वयंभू को मारने की कोशिश भी तुम में से ही किसी ने की थी। उत्सव, दिस इज वेरी बैड उत्सव। मैंने ये तो उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुझे तो बीवी का साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और तू उसी के खिलाफ ऐसी बातें बोल रहा है। हाँ बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको और प्रीति दी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेहंदी का दिमाग वैसे तो ठीक है, पर तुम लोग उसका दिमाग खाओगे और खाकर उसे बर्बाद कर दोगे। देखो मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ कि हाँ हो सकता है कि मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ तुम्हारे लिए। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मेरी बहुत गर्लफ्रेंड्स थी, मैं बहुत ड्रिंक्स करता था, मैं नाइट आउट्स करता था, मैं सब कुछ करता था, लेकिन यकीन करो मैंने अपनी नाक कटवा कर किसी और पर इल्जाम नहीं लगाया। क्या हुआ बताओ, क्या बात है, क्या हुआ बताओ? इससे अगर तुम इस तरह से पूछोगी तो ये बताने से डरेगी ना। अच्छा बोलो क्या हुआ। नहीं मतलब तब ये सबके सामने बोल तो नहीं पाई, लेकिन ये कल रात को फोन करने के लिए बाहर आई थी। हाँ तो क्या हुआ बोलो ना। हाँ कल रात जब मैं फोन पर बात कर रही थी तब मैं अपने कमरे से निकलकर वो सेकंड फ्लोर की लॉबी में थी, वो जो सीढ़ी के पास लॉबी है, तब मैंने देखा था आप लोगों के कमरे में कोई गया था। अंदर जाते हुए देखा, बाहर आते हुए नहीं देखा? नहीं मतलब बाहर निकलते नहीं, मैंने किसी को बाहर निकलते नहीं देखा। झूठ बोल रही हो तुम झूठ बोल रही हो। तुमने जब देखा एक आदमी कमरे में जा रहा है तो तुम जरूर जानने की कोशिश करोगी, तुम समझना चाहोगी वो आदमी कौन था। तुम जितनी सेंसिबल लड़की हो, आज के जमाने की कोई भी सेंसिबल लड़की जानने की कोशिश करती वो आदमी कौन था।
कौन इतनी रात को चेहरे पर मुखौटा पहनकर कमरे में घुसा? हाँ, निकलते देखा था। तो फिर वो आदमी कौन है? कैसे दिखती मैं? उसने मुखौटा पहना हुआ था। तुम झूठ बोल रही हो। उस आदमी ने मुखौटा नहीं पहना था क्योंकि वो मेरे हाथ में था। इसका मतलब तुमने उसका चेहरा देखा था। बोलो बोलो, वो आदमी कौन था? जवाब दो, बोलो वो आदमी कौन था? हम अगर खराब है तो तू क्या है? मतलब? मतलब तू और तेरे परिवार के सब लोग शातिर हैं। ए ए प्रीति, प्रीति इतना गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। इतना गुस्सा ना करूं मतलब? हाँ, इसने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी। क्या इसने मेहंदी को ये बताया है कि इंटरोगेशन के लिए इसे उठा कर ले गए थे? क्या? हाँ, इंटरोगेशन के लिए इसे लेकर के गए थे। और वो जय सान्याल नाम की कोई है जो हाथ धोकर इसके पीछे लगी है, शिकारी की तरह। और ये बड़ी बड़ी बातें करता है, दोनों टाइम थाने में हाजिरी लगा रहा है और हमारी गलतियां बता रहा है, हमें बुरा भला बोल रहा है। चलो तो चलो यहाँ से। स्वयंभू की सारी खबर तुम्हें मिल जाएगी, चिंता मत करो। चलो। तुम इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। चलो तुम चलो यहाँ से। उल्टी सीधी बातें किए जा रही हैं। कुछ नहीं देखा इसने, कुछ नहीं, किसी का फेस नहीं देखा। चलो चलो यहाँ से। That's great. शाइना के एक्सप्रेशंस बता रहे हैं इसने किसी को देखा है। अगर इसने किसी को देखा है तो अब वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? और वो आदमी घर से निकला भी नहीं, मतलब परिवार में से ही किसी ने स्वयंभू को मारने की कोशिश की। मतलब स्वयंभू के ऊपर फिर से अटैक होने वाला है। तुम्हें पुलिस लेकर गई थी, सवाल किए थे, तुम, तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ, सबने मुझसे ये बात छिपाई। यहाँ तक कि कौशिकी मुखर्जी भी। क्या हुआ उत्सव? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जवाब दो, आंसर मी। नहीं मतलब वो असल में मुझे बस जवाब चाहिए। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? हाँ, इसका मतलब तुम एक अपराधी हो, क्रिमिनल। हाथ मत उठाना, हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगी मैं। ये मैं कहां गई हूं जिसके साथ मैं घर बसाने आई हूं, वही ये सब? वैदेही, मैं निकल रहा हूँ। कब तक आ जाएंगे? वो कौशिकी ने ऑफिस से फोन किया था, वो ऑफिस से सीधा एयरपोर्ट चली जाएगी और वहाँ से मुंबई। अच्छा, तो वापस कब आएगी? अरे एक दो दिनों में आ जाएगी, मैं निकल रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आपके साथ थोड़ी बात कर सकती हूँ? सॉरी, अभी टाइम नहीं है। शायद टाइम होता तो अच्छा होता। बाप रे, तुम्हारी बातें तो धमकी लग रही हैं। दिमाग ठंडा रखिए आप। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो बताओ? तुम्हारी बातों का टोन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बड़ों के साथ कोई इस तरह से बात नहीं करता है जगदात्री। जिन्होंने तुम्हें इस घर में रहने दिया, तुम्हें खाने को दिया, हर तरह से तुम्हें कोऑपरेट किया, उनके साथ तुम इस तरह से क्यों व्यवहार कर रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इतना कुछ होने के बाद भी आप इसे यहाँ क्यों रहने दे रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सब कुछ उलझा हुआ लग रहा है। ए, सुनो प्लीज प्लीज प्लीज, अभी ऑफिस जाने के टाइम है, मुझे बोर मत करो, मुझे परेशान मत करो, आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं। अभी इन सब बेकार और अननेसेसरी बातें और ये घर की टेंशन ऑफिस में रिफ्लेक्ट करती है। आपके घर का सीसीटीवी फुटेज मिल सकता है? इस बात का डिसीजन लेगी कौशिकी मुखर्जी, अंडरस्टैंड?
समझ में आया? उसके साथ बात करो। वो तो अभी फ्लाइट में है। अभी तक तो शायद उनकी फ्लाइट टेक ऑफ भी कर चुकी होगी। तुम्हें कैसे पता? जिसके बारे में पता करने की इच्छा होती है उसके बारे में पता चल ही जाता है। वो मुंबई जा रही हैं। मुंबई में जाकर वो एक फेमस 5-स्टार होटल में रहेंगी। उनकी कितनी मीटिंग्स हैं, किस किस के साथ मीटिंग्स हैं, ये सब मैं जानती हूँ। एक मिनट, तुम कौन हो बताओ तो? इस घर में तुम क्यों आई हो? और कौशिकी के बारे में जानने की इच्छा क्यों है? इच्छा नहीं होगी। जो मेरे इस घर के ड्राइंग रूम में शादी करवाएंगी उनके बारे में जानने की इच्छा नहीं होगी? Hey, stop it. Just stop it. ये क्या हो रहा है? तुम बार बार इतना डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? मैंने कहा डिस्टर्ब किया? मैं तो सबके बारे में सोच रही हूँ। इनकी गाड़ी में मैंने लंच पैक करके रख दिया, ड्राइवर को बता दिया यहाँ से क्या क्या स्नैक्स जाएगा शाम को। मेरे लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ससुर जी हैं आप मेरे, चिंता तो होगी ही। क्या बोल के गई है? क्या बोल के गई है वो आपको? चलता हूं मैं। लैंडलाइन पर किसने कॉल किया? हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, वो यहीं रहती है। हाँ हाँ, आप एड्रेस सही बोल रहे हैं। ओके, अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। किसका फोन था? बेबूजी के कार लोन के लिए बैंक से वेरिफिकेशन कॉल था। देबू गाड़ी खरीद रहा है? इस घर का दामाद एट लास्ट गाड़ी खरीद रहा है। इम्पोर्टेड कार होगी जरूर, बहुत फेमस विदेशी कंपनी की गाड़ी। तुम्हें कैसे पता चला? देबू भैया गाड़ी खरीद रहे हैं तो सस्ती गाड़ी तो वो खरीदेंगे नहीं। मुखर्जी परिवार के दामाद जो हैं, वो तो महंगी गाड़ी ही खरीदेंगे। तुम मेरे बारे में क्या बोल रही थी? नहीं, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आपके कार लोन के लिए वेरिफिकेशन कॉल आया था और लैंडलाइन में आपने अपने ससुराल का ही नंबर दिया है तो तुम्हें क्या? तुम हर बात में क्यों घुस रही हो? नहीं, मैं घुस नहीं रही हूँ। मैं बस यही सोच रही थी कि कल तक आपके पास पैसे नहीं थे, एक रिक्शा खरीदने के भी पैसे नहीं थे, और आज आप विदेशी गाड़ी खरीद रहे हैं, उसके लिए आपके पास कॉल आ रहा है। तो गाड़ी चलानी है तो चलाइए, लेकिन क्या पेट्रोल के पैसे भी ससुराल से ही लेंगे? तुम तमीज से बात करो। क्या हुआ? इसकी इतनी हिम्मत मैं तो सोच भी नहीं सकता। कौन है ये इस परिवार की क्या लगती है? इसकी हिम्मत कैसे होती है मेरे सामने ऐसे बात करने की? जगधात्री, तुम मुझे नहीं जानती। जानती हूँ। और जितना जानना बाकी है। क्या? सीसीटीवी फुटेज हाथ में आते ही समझ जाएंगे। क्या कहा तुमने? क्या कहा? कुछ नहीं। hey, सुनो जगधात्री, सुनो। क्या बोल कर गई वो बोली?
कार लोन के लिए बैंक वेरिफिकेशन कॉल आया था और साथ ही साथ मेरी बेइज्जती करके गई। अरे क्या कहा उसने, यही तो जानना चाहती हूँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं। देबू, देबू बात तो सुनो, देबू। क्या हुआ बताओ तो? हाँ प्रीति, देबू लोन पर गाड़ी ले रहा है। मुझे भी तो कुछ नहीं बताया प्रीति। मॉम, प्रीति को भी नहीं बताया। ये सब हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, वो गाड़ी बहुत महंगी है क्या? हाँ बहुत महंगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 50 से 80 लाख की है गाड़ी की कीमत। और तुम्हें कैसे पता? देबू भैया की जो सोच है, उनकी जो टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी है, महंगी गाड़ी खरीद भी लेंगे लेकिन करोड़ों की कीमत वाली नहीं खरीदेंगे, इसके नीचे ही खरीदेंगे। तो कौन सा मॉडल खरीद रहे हैं? That's none of your business. क्या हुआ? एक अच्छा क्लू मिला है स्वयंभू। भगवान जब किसी का साथ देते हैं ऐसे ही देते हैं। क्यों? अभी अभी फोन आया था, देबू भैया गाड़ी खरीद रहे हैं। कल तक जिसके पास रिक्शा का किराया देने के पैसे नहीं थे, आज वो विदेशी गाड़ी खरीदने के सपने देख रहा है। वो शायद लोन पर ले रहा होगा। स्वयंभू प्लीज, लोन लेने के लिए भी डाउन पेमेंट लगती है। किसी ने प्रेफर कर दिया होगा शायद। हाँ मान लिया, लेकिन बैंक से जो लोन लिया है उसे भी तो चुकाना होगा। हो सकता है उसके ससुराल वाले दे दे। नहीं तो फिर वो पहले ही करते। कौशिकी मुखर्जी कैसे भी हो, देबू भैया के लिए लोन सैंक्शन वो नहीं करेंगी। तो फिर तुम क्या बोलना चाहती हो? पैसे, बहुत सारे पैसे देबू भैया के हाथों में आ गए हैं रातों रात। रातों रात सुनकर क्या लगता है? क्या लगता है? रात शब्द है। हाँ तो? और रात में क्या हुआ था स्वयंभू? हाँ रात में क्या हुआ था? रात को चाकू लेकर कातिल तुम्हारा खून करने आया था। जगदात्री तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे थोड़ा समय दो स्वयंभू, मैं बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई हूँ। जस्ट कुछ और बार चप्पू चलाने पर नाव बिल्कुल किनारे पर होगी, और एक बार किनारे पर पहुंचते ही क्या? दो कैरेक्टर हैं, एक देबू भैया और दूसरा हो सकता है राजनाथ मुखर्जी या तो फिर कौशिकी मुखर्जी। क्या हुआ? कौशिकी मुखर्जी का नाम स्क्रैच कर दिया। मतलब? मतलब काट दिया। क्यों? राजनाथ मुखर्जी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, काटा क्यों? सिक्स्थ सेंस। कौशिकी मुखर्जी बोलती है ना, सिक्स्थ सेंस। मेहंदी, मेहंदी। ओह भैया, भैया मेहंदी कहाँ पर है? क्यों? क्यों क्या, कुछ बुरा हो गया है। क्यों, क्या बात है? अरे बाबा बहुत सी बातें हैं, मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताओ मेहंदी कहाँ है। पर वो तो अपने कमरे में ही थी। ये क्या, कमरे में थी तो गई कहाँ? मॉम, मॉम, मॉम। क्या हो गया? मॉम मेहंदी कहाँ, आपको पता है मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। अरे मैं भी तो मेहंदी को ढूंढ रही हूँ। क्यों? जगदात्री का यहाँ रहना बहुत रिस्की हो गया है, मैं अब मेहंदी के पापा के साथ एक बार बात करना चाहती हूँ। उसके पापा के साथ बात करेगी, पर क्यों? मेहंदी तो कमरे में नहीं है, वो शायद कहीं बाहर गई है। हे भगवान, मेहंदी बिना बताए कहाँ चली गई? शायद अपने मायके गई होगी। फोन रुकिए 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 मॉम, मैं फोन करता हूँ, मैं फोन करके देखता हूँ।
हेलो मेहंदी, कहाँ हो तुम? मैं बाहर हूँ। बाहर कहाँ? एक काम से आई हूँ। क्या काम? इतने सवाल क्यों कर रहे हो? मतलब सवाल क्यों कर रहा हूँ? मतलब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम मेरे हस्बैंड हो? हाँ, मुझे जानने का पूरा हक है। और मुझे भी ये जानने का हक था कि तुम शादी से पहले ऐसे किसी केस में इन्वॉल्व थे। मुझे भी जानने का हक था कि तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है, इंटरोगेशन के लिए ले जा रही है, हर दिन पूछताछ कर रही है। जानने का हक नहीं था मुझे? मेहंदी, मेहंदी प्लीज समझने की कोशिश करो। उत्सव, फोन मुझे दे, एक बार मुझे बात करनी है। दे, मुझे देना। हाँ मेहंदी, मेहंदी सुनो तुम मेरी बात। कुछ नहीं सुनना है मुझे। आप, मेरे ससुर जी, मेरे पति, सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। बहुत से सपने लेकर इस घर में बहू बनकर आई थी मैं, और मेरे पति का पुलिस रिकॉर्ड्स में नाम है। उसे लेकर इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ नहीं पता। आप लोगों ने इतने दिनों तक मुझे धोखा दिया है। मेहंदी मेरी बात तो सुनो, ये मामला ऐसा बन गया है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। हेलो हेलो मेहंदी, हेलो। क्या हुआ मॉम? फोन काट दिया। लेकिन मेहंदी अभी कहाँ है?